हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, हम निकल पड़े हैं एक और नई जर्नी के लिए और आज की जर्नी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम जा रहे हैं एक वाटरफॉल देखने के लिए जो कि हिडन वाटरफॉल है। बहुत ही कम लोग जानते हैं उस वाटरफॉल के बारे में, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वाटरफॉल है, तो वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जो वाटरफॉल हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ये माल देवता में पड़ता है। तो माल देवता, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, माल देवता जो है देहरादून का वन ऑफ़ द बेस्ट पिकनिक स्पॉट में से एक है। तो काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लोकल टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, बाहर से कम आते हैं। तो बाहर से जो आते हैं, ये नदी है, नदी में घूम के ही चले जाते हैं, ज़्यादा आगे तक नहीं जाते। पर यहाँ पर एक मैं आपको हिडन प्लेस दिखाने वाला हूँ जो कि देहरादून के लोगों को भी कम ही पता है। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है आज की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ आपको। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और एक्सप्लोर करते हैं देहरादून का ये माल देवता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नदी है माल देवता में जो कि काफ़ी फेमस है और उसके किनारे पे काफ़ी सारे रिजॉर्ट बने हुए हैं। तो अब से 6-7 महीने पहले हमने उसको एक्सप्लोर किया था रिजॉर्ट को, तो हम उनको एक्सप्लोर नहीं करेंगे आज, हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे और जो हिडन वाटरफॉल है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे आज। और फ्रेंड्स, नज़ारे देखो, कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी हो रखी है इस टाइम पर क्योंकि अभी है मानसून, तो मानसून में कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ग्रीनरी हो रखी है यहाँ पर। तो मानसून में कुछ अलग ही मज़ा है देहरादून को एक्सप्लोर करने का। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ पर तो ये राइट साइड में एक रास्ता जा रहा है तो हम इधर की तरफ चले गए थे, तो आज हम इधर नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे सीधे और जो वाटरफॉल है उसको एक्सप्लोर करेंगे आज हम। आज भीड़ होगी वहाँ पे, मस्त व्यू है यार, ये भी रेस्टोरेंट हो गया अच्छा था। तो भाई मैं ना 5:25 भाई साहब लाया, ये वीडियो बनाता हूँ, लोगों दिखाता हूँ क्या मस्त लोकेशन है। तो क्या मस्त लोकेशन है यार, खेत भी है काश यहाँ, तो कितने प्यारे खेत है। हाँ, उस वाले रिजोर्ट में रुके थे लास्ट, वो पुल के पास ना, वहाँ रुके थे हम लास्ट। आजा आगे आजा, मस्त। ये देखो प्लॉटिंग वोटिंग हो रही है, लोग रहते भी यहाँ पे, काफ़ी सारी प्लॉटिंग हो रखी है, काफ़ी एक्सपेंसिव जगह हुई यहाँ पे इस टाइम पे, वो नहीं आना चाहिए इतनी प्यारी जगह में यार, काफ़ी यहाँ तो काफ़ी महंगी जगह हुई यार। ऊपर सस्ती है क्योंकि ये तो शहर से टच में आ गया एरिया, इतना दूर भी नहीं आया, जहाँ से देर में आ गए हम, देख काफ़ी महंगी जगह हुई यहाँ पे पक्का। बारह लाख रुपये बीघा। तो फ्रेंड्स, ये सामने जो पुल देख रहा है, आपने यहाँ से जाना है लेफ्ट, और लेफ्ट में थोड़ा रास्ता इतना अच्छा नहीं है बट यहाँ तक का काफ़ी अच्छा है, पर कार वगैरह भी यहाँ पे इजीली आ सकती है। तो काफ़ी सारे टूरिस्ट जो नीचे नदी है यहाँ पर भी इंजॉय कर रहे हैं, बट हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम जो मेन जिस काम के लिए आए हैं वाटरफॉल के लिए वहाँ पर ही जाएंगे। तो बिल्कुल पास में ही पहुँचने वाले हैं वाटरफॉल के पास में। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और हिडन वाटरफॉल है, बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज इस वीडियो में जो कि बेस्ट वाटरफॉल है माल देवता में। ऊपर ही जा रहे, अब पूरा मोहल्ला आ रखा है। तो
नीचे गाड़ लेके बस बैठा बंदा। हाँ तो रोड है ना देखो बगल में। अच्छा वो रोड जो हमने छोड़ी थी। हाँ नीचे उतर जाना मेरे यहाँ पे। अच्छा अच्छा मछली पकड़ रहा हो देख मछली पकड़ रहे हैं जाना रखिए मछली पकड़ रहे हो फोटो खिंचवा रहे मोटी। तो फ्रेंड्स लगभग हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। तो वाटरफॉल के लिए हमें अपनी एक्टिवा यहीं पर ही खड़ी करनी पड़ेगी और कम से कम 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको वाटरफॉल दिखाऊंगा तो उसको मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। क्या बोलते